खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस समय कोटा में रह रहे दूसरे राज्यों के कोचिंग छात्रों की घर वापसी जारी है। यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दमन द्वीप, गुजरात सहित कई राज्यों के बच्चे कोटा से जा चुके हैं। ऐसे में अब महाराष्ट्र के बच्चों की घर वापसी भी कराई गई है। इन बच्चों को लेने के लिए महाराष्ट्र से करीब 35 बसें कोटा पहुंची, जो करीब 3,000 से अधिक कोचिंग छात्रों को लेकर रवाना हुई। यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से कोटा में रहकर कोचिंग कर रहे छात्रों की घर वापसी जा रही है। ऐसे में आज महाराष्ट्र से यहाँ पर रहकर कोचिंग कर रहे छात्रों की भी घर वापसी करवाई जा रही है। इस समय मैं खड़ा हूँ एक कोचिंग संस्थान में और पीछे की तरफ जो बच्चे बैठे हैं ये महाराष्ट्र के हैं, कुछ मुंबई के हैं, कुछ ठाणे के हैं और इसी तरह से महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों के सभी बच्चे हैं जिनकी आज यहाँ पर स्क्रीनिंग कराई जा रही है। उसके बाद इनको बसों से अपने अपने घरों की ओर भेजा जाएगा। साथ ही इनके इनकी जो पूरी एंट्री की जा रही है, जो भी कोचिंग संस्थान से ताल्लुक रखते हैं उनकी पूरी डिटेल यहाँ पे लिखी जा रही है। उसके बाद इनकी स्क्रीनिंग करा के पूरी तरह से जांच पड़ताल करके ही इनको आगे के लिए रवाना किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जो प्रशासन की और जो सरकार की जो गाइडलाइन है उसका भी यहाँ पे पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है, पूरा प्रयोग किया जा रहा है। करीब 35 बसें यहाँ पे लगाई गई हैं जो कि इन बच्चों को महाराष्ट्र छोड़ेगी, जिसमें महाराष्ट्र, नासिक, औरंगाबाद, नागपुर सहित जो अन्य जो जिले हैं वहाँ के बच्चे यहाँ कोटा में लेकर कोचिंग कर रहे हैं और आज इनकी घर वापसी करवाई जा रही है। ऐसे में 35 बसें लगाई गई हैं और एलएन के ही करीब 2000 से अधिक बच्चे जो यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा अन्य जो कोचिंग संस्थान हैं उनके भी बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। उन सबकी यहाँ पे स्क्रीनिंग कराने के बाद बाकायदा पूरी जांच पड़ताल के बाद ही इनको यहाँ से रवाना किया जा रहा है। छात्रों के चेहरे पर भी काफ़ी खुशी है क्योंकि अलग अलग राज्यों के बच्चे यहाँ से जा चुके हैं। अब महाराष्ट्र का नंबर है और महाराष्ट्र के बच्चे भी यहाँ से घर वापसी इनकी हो रही है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम राज्य सरकार का और कोटा जिला प्रशासन सहित एलएन कोचिंग संस्थान का भी है जो इन बच्चों की पूरी देखभाल कर रही है और इनकी घर वापसी करवा रही है। सहयोगी राजन भारद्वाज और कैमरा पर्सन दीपक के साथ योगेन महावत, A1 TV कोटा।